हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की जो वीडियो है वो है नीट के बेसिस पे आप बीएससी नर्सिंग एडमिशन बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या कट ऑफ रहेगी और कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो नीट के बेसिस में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। छोटी सी वीडियो है, कॉलेजेस बताऊंगी और कट ऑफ मार्क्स बता दूंगी कितने मार्क्स पे आप लोगों को जो है मिल सकता है। सबसे पहले नीट के बेसिस पे जो नीट की एमसीसी जो काउंसलिंग कराती है उसके बेसिस पर ही ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स को कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। पहले नहीं होता था, अब होने लगा है 2-3 सालों से। ठीक है, तो वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो बताने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ, कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी एमएनएस पर कि एमएन आर्मी नर्सिंग, ठीक है, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आपको एडमिशन लेना होता है, तो उसमें भी नीट के बेसिस पर ही जो है एडमिशन होता है। अगर आपको उसकी डिटेल्स देखनी हो, उसके बारे में जानना हो, तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे ऊपर लिंक मिल जाएगा, वो आप जरूर देख लेना। वो भी एक अच्छा कोर्स है, ठीक है, वो उसका खुद से कोई एग्जाम नहीं है, नीट के बेसिस पर ही है। बट उसका जो पूरी अब नीट का एग्जाम हो गया, लेकिन अब उसके फॉर्म अलग निकलेंगे, वो अपनी काउंसलिंग अलग कराएगा ऑन द बेसिस ऑफ नीट मेरिट। ओके, ठीक है, वीडियो में आ जाओ आगे। अब बात करते हैं कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो नीट के थ्रू एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा उसमें। तो हमारे दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ना बड़े बड़े, उनमें इसी के बेसिस पे एडमिशन होता है। बीएमएमसी जो सफदरजंग हॉस्पिटल से जो है एफिलिएटेड है, वो ये सारे दिल्ली के कॉलेजेस हैं और एक दो कॉलेजेस आपके अदर स्टेट के हैं। आरएमएल राम मनोहर लोहिया, एलएचएमसी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं भाई इनमें। तो आप इनसे बीएससी नर्सिंग करोगे तो अच्छा है। एम्स के बाद अगर आप कोई और ऑप्शन देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आर ए के राजकुमारी जो कॉलेज है करके एक है, बीएचयूबी नीट के बेसिस पे एडमिशन लेता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अदर स्टेट का हो गया, और भोपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भोपाल का गवर्नमेंट का जो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग है वहाँ। अब इन सब में एडमिशन लेने के लिए ना जो कट ऑफ मार्क्स रहते हैं, जनरल वालों के लिए बता देती हूँ, उनके जो कट ऑफ मार्क्स रहेंगे वो 400+ ही समझो, ठीक है, 400+ ही जो है आप समझिए उस मार्क्स को। हाँ, 400+ कभी कभी और कम पे पहले मिल जाता था, अब क्या है ना कि कट ऑफ काफी बढ़ती जा रही है तो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं 400, कभी कभी 500 वाला भी, मतलब कभी कभी क्या 500 वाले भी एडमिशन लेते हैं, बट ये तो लास्ट एक कट ऑफ इतनी जा सकती है, तो 400 450 ऐसा भी आपके नंबर आ रहे हैं और आपको अब एडमिशन लेना ही है तो आप इसमें इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये जनरल वालों के लिए है, तो अदर कैटेगरी वाले थोड़ा थोड़ा कम कर लेना और क्या। बाकी इस पर भी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, बाकी मैं लेके तो आऊँगी। और मैं आपको बता दूं इसके अलावा, जैसे ये तो नीट के बेसिस में इनमें एडमिशन मिल रहा है, ठीक है, फर्दर आपको डिटेल वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है लेडी हार्डिंग कॉलेज के ऊपर। और जैसे एम्स के बाद कोई और ऑप्शन देखना है तो ये वाले कॉलेज देख सकते हो गवर्नमेंट। इसके बाद आपको और कुछ देखना है तो आप पीजीआई चंडीगढ़ का देख सकते हो, वो फॉर्म अभी निकलेंगे, अभी निकले नहीं है, उसका एग्जाम जुलाई एंड या अगस्त स्टार्टिंग में होता है, तो वो भी आप ऑप्शन जो है देख सकते हैं। मतलब वो ऐसा लगता है मुझे, ठीक है, अगर किसी के सारे ऑप्शन खत्म हो गए हैं तो अभी मेरे पास एक नई अपॉर्चुनिटी बची है, तो ये चीज़ अच्छी है उसकी कि वो एंड में आता है। ठीक है, मिलिट्री नर्सिंग किसी को पसंद है तो एक बार आप उसके फॉर्म निकलेंगे तो वो फिल कर दीजिएगा। स्टेट लेवल पर भी आता है, लाइक यूपी सी नेट क्या एग्जाम, यूपी सी पेट, एबीवीएमयू जो कंडक्ट कराता है, वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। इन पे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, जो बच्चा चैनल पर न्यू है वो एक बार चैनल पे गो थ्रू हो जाए, जो काम की वीडियो लगे वो आप लोग देख लेना अपने अकॉर्डिंग। ओके, बाकी ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगी कि एग्जाम तक और उसके बाद भी मैं कंटिन्यूएशन में वीडियो लेके आऊं, बीच में ऐसा गैप ना आए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। इफ यू लाइक माई वीडियो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।